सीनियर्स खिलाड़ी की होगी टीम इंडिया से छुट्टी, हार्दिक पांड्या करेंगे भारतीय टीम में राज। दोस्तों बात तुम सब जानते हैं, हार्दिक पांड्या मौजूदा टीम में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक है। तो आखिरकार क्या बोल दिया है हार्दिक पांड्या ने सीनियर्स खिलाड़ी को लेकर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की T20 में परमानेंट कप्तान बन जाए, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक है हमें सिर्फ 100 लाइक्स का। दोस्तों बात तुम सब जानते हैं, न्यूजीलैंड दौरे पर T20 की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने भविष्य को लेकर अहम बातें की हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है और पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका था। पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा था, वेलिंगटन में बहुत जोर से बारिश हुई और 2 घंटे इंतजार करने के बाद में भी जब बारिश नहीं रुकी तो अंपायर्स ने इसे रद्द घोषित कर दिया। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच की बात की और कहा, हम सभी T20 वर्ल्ड कप की हार को भुला चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने इसी के साथ ही भविष्य पर भी बातें की। उन्होंने कहा, युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का बहुत अच्छा मौका होने वाला है। यह सीरीज नए खिलाड़ियों को रोल में तय करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस सीरीज के लिए कप्तान बने हार्दिक पांड्या ने आगे ये भी कहा, चीजें तय होंगी, अगर जरूरत पड़ी तो हमें अन्य सीनियर प्लेयर को कुछ और रोल निभाने की जरूरत पड़ सकती है और मुझे आशा है कि वो सीनियर प्लेयर अपने रोल निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। दोस्तों मैं आपको बताते चले, हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली भारतीय टीम की हार के बाद ये भी कहा कि हमें उस हार को भुलाना होगा, अगर हम उस हार को नहीं भुलाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे T20 क्रिकेट में। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में ये भी कहा, हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 में बहुत बुरी तरीके से हार मिली और हमें उसका दुख हमेशा रहेगा, लेकिन हम उन चीजों को वापस से बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम उन चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्रिकेट में, इसलिए हमें आने वाले फ्यूचर में जो T20 क्रिकेट होने वाला है उसके ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। और ये बात तो दोस्तों हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने कप्तानी भी हार्दिक पांड्या को इसलिए दी है ताकि वो अच्छे युवा क्रिकेटर को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय, क्या हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद में भारतीय टीम 2024 के T20 विश्व कप में जीत सकती है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।